सीबीआई बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या? ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है, फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा, किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं, जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे, सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, अपनी भारत माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया, पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों क्यों। अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है, हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीति करनी है, हमारे नेता बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं, इसको जेल में भेज देंगे, उसको जेल में भेज देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में भेज देंगे, भेज दो, जरूर भेजो, इससे क्या होगा, देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी? केजरीवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी? नहीं ना। हाँ, आपके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। 8 साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, 30 साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया, एक भी स्कूल। जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल नहीं मिला, आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिंचवानी पड़ी। 8 साल में मैंने दिल्ली में ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार इलाज कर दिया। 15 साल में मध्य प्रदेश में आपसे क्यों नहीं हुआ? 8 साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खत्म कर दिए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली मुफ्त कर दी। 30 साल में आपसे गुजरात में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपको करना ही नहीं है, आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है, आपकी बला से तो देश जाए भाड़ में, बस आपकी सत्ता बनी रहे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता था, आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया, अपने भ्रष्टाचार और अपने पैसे और सत्ता की हवस की वजह से। पर अब भारत रुकेगा नहीं, दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है, एक एक भारतीय खड़ा हो गया है। अब भारत बेचैन है, भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें, लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है, अब ये एक एक भारतीय का मिशन बन गया है। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मैं शुगर का मरीज हूं, एक एक दिन में 50-50 यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं। इतनी शुगर होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अनशन किया था। उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिंदा बच गया, किसी चमत्कार से कम नहीं है, भगवान मेरे साथ है। आप कहते हो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता, उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में यानी काम किया है। तब तो हम राजनीति में भी नहीं आए थे, दूर दूर तक सीएम बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो झुग्गियां ही मेरा घर होती थी। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है
तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। जय हिंद।